इस वीडियो के लिए मुझे थैंक यू बाद में कहना, पहले देखते क्या बेस्ट है आपके लिए, फ्री वेट या फिर मशीन्स। नो डाउट डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ फ्री वेट ट्रेनिंग करें। आई एम रोहित चिखले, सर्टिफाइड इन स्पोर्ट्स साइंस, और इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देखेंगे कि क्या बेस्ट है आपके लिए, मशीन्स या फिर फ्री वेट। बेसिकली फ्री वेट और मशीन्स, इनमें क्या डिफरेंस है। फ्री वेट में आते हैं बारबेल, केटलबेल और डंबल्स, इन जैसी चीज़ें, और मशीन्स में लेग एक्सटेंशन, लैट पुल डाउन और केबल फ्लाई जैसी चीज़ें। तो अभी अगर आपको स्ट्रेंथ इम्प्रूव करनी है, बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ानी है, बॉडी को अच्छी तरह से बैलेंस करना है, तो आपको फ्री वेट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, मतलब कि अगर आप बारबेल पे एक्सरसाइज करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी, अगर आप डंबल पे एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ, इन दोनों चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन इनमें इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है फ्री वेट ट्रेनिंग में। और अगर आप मशीन पे वर्कआउट करते हो तो ये आपको प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप इंजरी फ्री रहोगे, क्योंकि आप जो मशीन से उसमें आपको ज़्यादा फॉर्म पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको मशीन्स पे वो एक एडवांटेज रहेगा। तो फिर अभी सवाल ये आता है, करे तो करे क्या, मशीन्स पे ट्रेनिंग या फिर फ्री वेट पे ट्रेनिंग। अभी ये चीज़ अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको यहाँ पे तीन केस मैं एग्जांपल के तौर पर बताने वाला हूँ। फर्स्ट, अगर कोई बिगिनर बंदा है जो कि लाइफ में फर्स्ट टाइम जिम में पैर रखने वाला है, उसको आप ये तो नहीं कहोगे कि भाई चल स्क्वाट लगा, डेडलिफ्ट लगा, बेंच प्रेस लगा, नहीं, उसको इंजरी हो जाएगी। तो फिर आपको उसको क्या करना है, क्योंकि अभी उसके मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बॉडी उसकी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, बॉडी वो वेल बैलेंस नहीं कर सकता, तो इसीलिए आपको उसको मशीन्स पे जो है उसका वर्कआउट लेना पड़ेगा, जिससे कि उसका फॉर्म ज़्यादा ख़राब ना हो। मशीन्स पे एक एडवांटेज ये रहता है कि आपका फॉर्म ज़्यादा ख़राब नहीं होता। जब वो बिगिनर बंदा अच्छी तरीके से वेट ट्रेनिंग करने लगेगा, स्ट्रेंथ उसकी इम्प्रूव हो जाएगी, तब आप उसको डंबल पे या फिर बारबेल पे शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर उसको इंजरी हो जाती है तो फिर क्या। तो अभी हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है इंजरी। अगर कोई इंजर्ड पर्सन है तो उसको आप किस तरह से वर्कआउट करा सकते हो। किसी की लोअर बैक में इंजरी हो जाती है, छोटी सी माइनर, तो फिर क्या उसको वर्कआउट बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या कर सकते हो, उसको फ्री वेट से मशीन पे शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर उसको लेग स्ट्रेन करना है तो उसको स्क्वाट, लेग प्रेस, इन जैसी एक्सरसाइज को अवॉइड करा के लेग एक्सटेंशन, काफ रेजेस, लेग कर्ल, इन जैसी एक्सरसाइज आप करवा सकते हो। और अगर कोई एडवांस पर्सन है, उसको इंजरी फ्री रहना है, तो फिर क्या वो सिर्फ और सिर्फ मशीन पे ही ट्रेनिंग करेगा? नहीं। अगर कोई एडवांस पर्सन है या फिर पावर लिफ्टर है, वेट लिफ्टर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मशीन्स पे ट्रेन नहीं कर सकता, क्योंकि मशीन्स पे वेट की लिमिटेशन आ जाती है। कोई बंदा मशीन्स पे 150 या 200 किलो के स्क्वाट्स नहीं कर सकता, उसको फिर बारबेल या फिर जो फ्री वेट है उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो फिर अभी सवाल फिर से यही आता है कि करना तो करना क्या है। इसका सीधा आंसर है, आपका गोल क्या है, आप किस तरह से ट्रेन करते हो। आपको फ्री वेट और मशीन, इन दोनों चीज़ों को सही से बैलेंस करके आपको ट्रेनिंग करनी है। मतलब कि आप फ्री वेट का भी इस्तेमाल कीजिए और मशीन्स का भी इस्तेमाल कीजिए, दोनों का अच्छी तरीके से अगर आप कॉम्बिनेशन बैठाते हो तो आपको कोई एक एडवांटेज रहेगा कंपाउंड एक्सरसाइज और जो आइसोलेशन एक्सरसाइज है, इन दोनों को सही तरीके से परफॉर्म करने का। क्योंकि लैट पुल डाउन हो गया, ट्राइसेप पुश डाउन हो गया या फिर केबल फ्लाई हो गया, इनको आप फ्री वेट से कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपको आपके जो मसल्स है उनको आइसोलेट करने के लिए। तो इसीलिए जैसे फ्री वेट भी ज़रूरी है, वैसे मशीन्स भी ज़रूरी है। तो मेरा आंसर यही है, क्या बेस्ट है आपके लिए, इट्स टोटली डिपेंड आपका गोल क्या है, आप किस तरीके से वर्कआउट करते हो। एक अच्छा वर्कआउट डिज़ाइनर आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से बैलेंस करके दे सकता है कि मशीन्स और फ्री वेट का
दोनों का सही तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।